बिहार की 40 लोकसभा सीटों के चुनावी परिणाम उसके रुझान सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सीधे बताएंगे कि बिहार में 40 सीटों में एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिली हैं। जी हाँ, जो भी रुझान और परिणाम हमारे सामने आए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और साथ में आपको एक बात और बता देते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है एकदम सटीक सर्वे लाने के लिए। हम ग्राउंड में भी निकले हैं, दोपहर में भी हम लोगों से मिले हैं, वोटर्स से, मतदाताओं से हमने बातचीत की है और इसी आधार पर ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं। प्रदीप सर हमारे साथ हैं, धर्मवीर पटवर्धन जी हमारे साथ हैं, दोनों राजनीति के विश्लेषक हैं। आप दोनों ने 40 सीटों पर बड़ी मेहनत से और बड़ी गहराई से एक समीक्षा की है जो हमारे दर्शकों तक पहुंच गई है। अब हम चाहते हैं कि आप दोनों फाइनल बताइए कि बिहार का रिजल्ट क्या है, यहाँ एनडीए और इंडिया दोनों में से कौन आगे चल रहा है। देखिए, बिहार के रिजल्ट का अनुमान जितने भी राजनीतिक पंडित आज जनवरी से लगातार रहे थे, लगभग सभी के सभी गलत साबित हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। कोई एनडीए को 38 सीट दे रहा था, कोई 36 सीट दे रहा था, कोई 35 सीट दे रहा था। अब ठीक है कि किसी दल के द्वारा प्रायोजित जो है वो एनडीए को 10 सीट दिखा रहे थे और महागठबंधन को 30 सीट दिखा रहे थे, लेकिन जो निरपेक्ष चैनल कोई भी जो है वो 30-35 सीट से कम एनडीए को नहीं दे रहा था। और बीजेपी के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है 400 पार की नारा लग रही थी। ठीक है, ये कहा जा रहा था कि अमित शाह और नीतीश कुमार दो चाणक्य का मिलन जो है वो बिहार में एनडीए को फिर से 19 का परिणाम रिपीट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एनडीए को भारी नुकसान होता दिख रहा है बिहार में। 400 का पार का सपना शायद बिहार उस सपने पर पानी फेरती हुई दिख रही है। एनडीए दो लाई बढ़ाने के बाद भी, आप याद रखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, इस बार वो एनडीए के साथ है, फिर भी 28 का आंकड़ा ही पहुंच पा रही है एनडीए। आरजेडी लेड महागठबंधन 12 सीट बिहार में जीतती दिख रही है। एनडीए को बिहार में 28 सीटें मिली है। जी हाँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बिहार में 28 सीटें मिल रही है। याद रखिए 2019 में बिहार में 39 सीटें आई थी 40 सीटों में से। देखिए 40 सीटों में से 39 2019 में आई थी, लेकिन 2024 में 40 में से मात्र 28 सीटें, सीधे 11 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को, एनडीए को इस बार हुआ है। और इंडिया अलायंस जो कि पिछले बार मात्र 1 सीट जीती थी, इस बार 12 सीट कम से कम जीतते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के लोगों में इस बात तक खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि जहां वो सिर्फ 1 सीट पर थे आज वो 12 सीट पर आ गए, सीधे 11 सीटें बढ़ी है। और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि काफी मेहनत विपक्षियों ने की है, महागठबंधन ने की है। पटवर्धन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं क्या लगता है आपको? ये आपके जो आंकड़े अभी जो सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो आंकड़े लगभग हकीकत के आसपास हुए। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये परिणाम निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को। 3 दिन है और इंतजार कर लें आप लोग। और एनडीए को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहां एनडीए का गठबंधन एक साथ लगातार 11 गुना की बढ़ोतरी यानी 12 गुना उसका सीट हो रहा है, वहीं एनडीए को 11 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो काफी गंभीर और चिंतनीय विषय है 400 वाले सपने को देखते हुए। एक एक सवाल आप लोगों से जरूर लेंगे कि क्या वजह आप मानते हैं एनडीए को, अगर 11 सीटों का नुकसान हुआ है, 40 में से 28 सीटें मिली है, इसकी वजह क्या है? आपसे एक लाइन में अगर हम सवाल चाहें। सबसे बड़ा कारण है कि लालू प्रसाद या आरजेडी के द्वारा जो सोशल इंजीनियरिंग किया गया है, इस बार जिस प्रकार से मुसलमानों का टिकट काट कर कुशवाहा जाति के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को लड़ाया गया, और दूसरा गलती एनडीए ने भी किया। एनडीए ने गलती एनडीए से ये हुई कि एनडीए ने अपने आधार वोट बैंक को उतना तरजीह नहीं दिया, जिस कारण से लव कुश का समीकरण भी टूटा। कई अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थानीय जो सांसद थे उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था उसका भी नुकसान झेलना पड़ा एनडीए को। साथ ही आप देखिए कि एनडीए की तुलना में आरजेडी का जो चुनाव अभियान था वो ज्यादा सुनियोजित दिखा। तीसरा चौथा कारण है कि नीतीश कुमार
अपनी पीढ़ी के एनडीए में अकेले नेता बिहार में बच गए। आप याद कीजिए, इससे पहले के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सुशील मोदी, रामविलास पासवान जैसे नेता हुआ करते थे। इस बार नीतीश कुमार अकेले थे और नीतीश कुमार भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां पर कि उनकी पकड़ बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ती दिखी, इसका नुकसान एनडीए को झेलना पड़ा। पटवर्धन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मानते हैं आपको 2019 में 39 और 2024 में 28, इससे बीजेपी की कमजोर रणनीति कहेंगे या फिर विपक्षियों की मजबूत रणनीति? नहीं, बीजेपी की कमजोरी और लालू जी की सातिराना, राजनीतिक सातिराना दिमाग, राजनीतिक सातिराना पहले ही बोल रहे हैं। इसको मैं सुधार हुआ, राजनीतिक सातिराना कैसे आप कर सकते हैं भाई? आप ये कहिए ना कि भाई उन्होंने बेहतर योजनाओं के साथ, चिराग पास सॉरी देशु यादव जो है बेहतर योजना के साथ आए राजनीतिक रूप से। बिल्कुल, हमने पहले ही, चूंकि राजनीति जैसे ही आता थोड़ी सी नकारात्मक तो दिमाग में हरा भी आ जाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा रोचक शब्द था। और कार्यकर्ताओं का इग्नोरेंस, बीजेपी आउटसोर्सिंग हो गई है, कार्यकर्ताओं की इग्नोरेंस, सामाजिक समीकरणों में बिखराव, एनडीए का कार्य, बिहार का जो चाणक्य जो बता रहे हैं, बिहार का जो तिगड़ी थी उसका टूटना, ये मुख्य कारण हमको दिखते हैं जो बिहार में बीजेपी पिछड़ी है। और यही वजह है कि बिहार में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान के दौरान बिहार में बहुत ज्यादा रैलियां भी हुई। एक बड़े नेता के तौर पर बिहार से अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर किसी बड़े नेता की इतनी रैलियां कहीं बाहर नहीं हुई होंगी, लेकिन बाहर के नेता बिहार बहुत ज्यादा आए बीजेपी के चुनावी अभियान में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा, एनडीए को झेलना पड़ा है। इंडिया गठबंधन की दिलचस्प बात ये रही कि यहाँ राहुल गांधी ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं आई, कोई केजरीवाल नहीं आए, यहाँ लालू और तेजस्वी यादव मिलकर। आप इससे समझ लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस का तालमेल की कमी वहां भी दिखी है। बावजूद इसके उसका प्रचार काफी आक्रामक रहा है इंडिया महागठबंधन, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उठाया। अकेले तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबका मुकाबला किया है, इसीलिए तेजस्वी यादव ही इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच आप उनको कह रहे हैं आपके एग्जिट पोल में। यस, लेकिन कुल मिलाकर ये भी हम देख सकते हैं कि हर सरकार के बाद एक लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहेंगे कि हर चुनाव के बाद, हर पांच साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उसको दूर करते हुए भी अगर बिहार में बीजेपी 28 सीटें ला रही है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जिस बिहार में बीजेपी के लिए 4-5 सीटें जितना भी मुश्किल होता था, वहां बीजेपी 39 तक पहुंचती है और 28 का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। और इस आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीत का जो तराजू है उसमें बीजेपी का पलड़ा ही भारी है। सीटों की बढ़त के मामले में बेशक यहाँ पर एनडीए घटा है, लेकिन बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में अभी भी मौजूद है, उसे मेहनत की जरूरत है। और इंडिया अलायंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जहां वो शून्य पर थी वहां वो एक अच्छे आंकड़े तक पहुंच चुकी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने काफी समय दिया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को, और एक सटीक समीक्षा आप लोगों ने की, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।